डिस्कस द फॉर्म इन सिंप्लीफिकेशन अगेन बेटा वही क्वेश्चन आएगा एक्सपैंड और यू कैन से एग्जाम कैन से सिंप्लीफाई ठीक होगा फॉर्म हमने डिस्कस करनीट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर अ वेरी सिमिलर फॉर्म और बेटा एक हमने फॉर्म डिस्कस करनी है ए माइनस बी होल स्क्वायर राइट कि इसकी एक्सपैंशन हम कैसे करते ओके okay, बेटा वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम्स अगेन और बेटा इसमें बड़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट्स को एंड देर अनएबल टू यू नो अंडरस्टैंड और देर आर अनएबल टू एग्जीक्यूट द फॉर्मूलाज और फिर ये जो कॉन्सेप्ट है बिकॉज ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सिम्पलीफिकेशन का एक्सपांशन का क्योंकि बड़ी कॉमन आपको स्क्वेयर्स आ जाते हैं इवन इन अदर टॉपिक्स एज वेल आपका ये एक्सपांशन वाला पार्ट यूज़ होता है बेटा बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ योर बेसिक सिंप्लीफिकेशन जैसे बेटा मैं हमेशा कहता हूं आप अपने स्टूडेंट्स को कि आपकी बेसिक जो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज हैं दे शुड बी वेरी स्ट्रांग राइट तो ये जो बेटा हम चैप्टर कर रहे हैं ये आपकी वो कोर मैथ्स का बेसिक सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है तो आपकी ये बेसिक्स बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए राइट right? ओके okay, बेटा सो so, अब जरा हम इसकी एक्सपांशन का बेटा फॉर्मूला देखते हैं सो so, एल्ज्रा की आइडेंटिटीज हम इनको कहते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस पी होल स्क्वायेयर राइट right? सो so, अगर बेटा यू हैव टू टर्म्स जो ब्रैकेट में ऐड हो रही हो या ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं एंड यू हैव अ होल स्क्वायर राइट एंड यू हैव अ होल स्क्वायर ऑन दैट हम इसको कैसे एक्सपांड करते हैं अ वेरी कॉम्पैक्ट वन लाइन फॉर्मूला राइट तो बेटा हम क्या करते हैं वी जस्ट सिंपली टेक द स्क्वायर्स हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देते प्लस टू टाइम्स राइट ये टू फॉर्मूला में जैसे हम एरिया ऑफ ए ट्राइंगल लिखते हैं हाफ बेस इन टू हाइट तो हाफ बेटा फॉर्मूला का पार्ट है राइट right? सो so इसी तरह ये टू फॉमूला का पार्ट है इज एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स जो या हो हो रही और जिनका होल स्कोर हो राइट ए प्लस पी होल स्क् ए माइनस पी होल बेटा ये फॉर्मूला आपने नहीं भूलना सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स राइट सो ए इंटू बी इज ऑब्वियसली ए बी सो so, ये बेटा मिडिल टर्म हमेशा टू ए बी आएगा आपने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके टू आपने साथ लिख देना यानी टू का मल्टीपल होगी प्लस बी स्क् टर्म का होल स्क्वायर सिंपल इज दैट ठीक है सिंपल इज दैट मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर बेटा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर राइट ए स्क्वायर आ गया प्लस टू टाइम्स वी कॉल दिस द प्रोडक्ट टर्म ये मिडिल वाली टर्म को हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट टर्म प्रोडक्ट टर्म बिकॉज दोनों टर्म्स बेटा मल्टीप्लाई हो रही है राइट वी कैन सी हम दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है मल्टीपल होगी हमेशा ए सिंपली मल्टीप्लाई और प्लस सेकेंड टर्म इट इज उसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू सिंपली पुट अ स्क्वायर विद दैट अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लेट्स से बेटा यू हैव लेट्स से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स प्लस थ्री होल स्क्टा वी कैन सी देर आर टू टर्म्स इन साइड और राइट सो हमारे माइंड में फॉरन ये फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए फॉर्मूला फॉर दैट इसकी एक्सपेंशन का एक बेसिक फॉर्मूला है सो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला तो बेटा फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म्स एक्स इंटू थ्री इज बेसिकली थ्री एक्स थ्री इज थ्री यू राइट द नंबर फर्स्ट एंड देन यू राइट द अल्फाबेट प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर राइट इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो ये बेटा आ गया एक्स स्क्स एक्स प्लस नाइन आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर राइट बेटा सिमिलरली हम ए माइनस बी होल स्क्वायर को जरा लिखते हैं अब हम देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है सो बी वेरी केयरफुल ठीक साइंस का बेटा डिफरेंस आएगा और ये प्लस माइनस का साइन इंपॉर्टेंट होता है राइट बेटा सो अगेन वही फर्स्ट टर्म का स्क्वायर राइट राइट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ठीक टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म्स तो बेटा अब साइंस रिवर्स है ए का साइन पॉजिटिव है ए का साइन नेगेटिव है सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस प्रोडक्ट टर्म मीन्स आपने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना राइट right? और ये टू के मल्टीपल होते हैं हमेशा टू टाइम्स ए इंटू बी और ऑब्वियसली प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा सो माइनस ए बी और प्लस वट एवर इज द सेकंड टर्म इसका होल स्क्वायर माइनस बी का होल क्लैरिटी बेटा सो अगेन अ सिमिलर फॉर्मूला हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है नथिंग डिफरेंट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म्स लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये बेटा प्लस इंटू माइनस इज माइनस ठीक ठीक है साइंस रिवर्स ए बी और प्लस सेकेंड टर्म ऑब्वियसली टर्म बेटा विथ साइन काउंट होती है तो माइनस बी का स्क्वायर तो बेटा यह आपके पास आ गया अगर हम सिंप्लीफाई करें फर्दर प्लस ए स्क्वेयर और यह प्लस इंटू माइनस बिकॉज़ टू मल्टीप्लाई होगा इनसाइड इनसे ब्रैकेट ये हो जाएगा माइनस टू ए बी राइट बेटा और प्लस माइनस का स्क्वायर वी नो दैट माइनस इनटू माइनस क्या होता है प्लस तो प्लस बी स्क्वायर राइट सो बेटा प्लीज रिमेंबर दैट नाउ द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्मुलाज अगर आप इसको ध्यान से देखो कि इफ द इफ द आपके पास एक्सपांशन आ जाती है ए माइनस बी होल स्क् द ओनली डिफरेंस कि बेटा जो मिडिल टर्म का साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज स्क्वेयर्स के साइन हमेशा पॉजिटिव हो गए माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव होता है राइट right? क्लैरिटी सिर्फ मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव आएगा तो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला कि बेटा अब फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं कि ए माइनस बी होल स्क् वॉट ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी क्लैरिटी सिर्फ मिडिल टर्म का साइन रिवर्स होगा नेगेटिव क्लैरिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क् राइटर फॉर्मुलाइट ए माइनस बी आ जाए तो बेटा यहां भी आप term, जो है, वो नेगेटिव होगी स्क्वेयर के साइंस पॉजिटिव होंगे ए स्क्र या बी स्क्र आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर चलो इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं लेट्स से बेटा वी हैव uh, आप ये एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं uh, x माइनस थ्री होल स्क्वायर राइट चलो वी हैव टू एक्सपैंड दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला चलो एक्सपैंड करो अब फॉर्मूला अपलाई करो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्र वी नो द फॉर्मूला अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है राइट तो यहां भी प्रोडक्ट टर्म मिडिल टर्म नेगेटिव होगी टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स माइनस साइन ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके राइट सो यह कॉमन ले हमने बाहर लिखा है सो थ्री x is 3x जस्ट सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला ठीक माइनस हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो राइट बेटा प्रोडक्ट टर्म थ्री इंटू एक्स और प्लस बी स्क्वायर तो माइनस थ्री का स्क्वायर वी नो माइनस लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज माइनस का स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव होगा यू जस्ट सिंपली प्लग इन द वैल्यू तो बेटा तो, so, ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर तो आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन क्लैरिटी बेटा आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर सो ये बेटा आपके पास एक्सपेंशन है ए प्लस बी होल स्क्वायर की और ए माइनस बी होल स्क्वायर की ठीक है चलो इसको हम अब जरा फॉर्मूलाज एक दफा इधर लिख लेते हैं सो वॉट वॉज ए प्लस बी होल अब बेटा ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए दिस इज ए स्क्त प्लस टू ए बी प्लस बी स्क् राइट एंड वॉट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर बेटा दिस इज ए स्क्र मिडिल टर्म नेगेटिव है बस मिडिल टर्म नेगेटिव हो जाएगी माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर स्क्वेयर वाली टर्म्स के साइन आर एग्जैक्टली द सेम राइट right? ये बेटा ऑलरेडी हम माइनस कॉमन लेके जो प्रोडक्ट आता है वी हैव ऑलरेडी टेकन दैट कॉमन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए राइट right? ऑलरेडी हमने माइनस साइन कॉमन लेके लिख दिया आई होप टेक अ लुक एट फ्यू अदर क्वेश्चन लेट्स वी हैव बेटा हम ये जरा क्वेश्चन करते हैं ठीक लेट्स टेक अ लुक एट अ क्वेश्चन लेट्स वी हैव टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर राइट बेटा सो अगेन आपने देखना है इन साइड द ब्राकेट दो टर्म्स एड हो रही और होल है सो वी नो द फॉर्मूला फॉर द एक्सपेंशन वेरी इजी बेटा पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखना है सो दिस इज योर फर्स्ट टर्म इन साइड द ब्राकेट ये ए है दिस इज योर सेकेंड टर्म दिस इज योर बी राइट बेटा और एड हो रहा है तो मिडिल टर्म में प्लस ही आएगा चलो सो ए स्क्वायर बेशक फॉर्मूला लिख लो साइड पे ताकि प्रैक्टिस हो जाए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र राइट बेटा राइट द फॉर्मूला जरा नीट कर लेते हैं A square plus 2AB plus B square. चलो ठीक दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो प्लस बी स्क् वन का स्क्वायर इज वन तो बेटा ये क्या आ गया ब्रैकेट के अंदर टू का भी स्क्वायर और एक्स का भी स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर राइट प्लस ये बेटा आपके पास हो गया प्लस फोर एक्स प्लस वन ये बेटा जस्ट इन लाइक टू स्टेप्स आपके पास आंसर आ गया आई होप दिस इज प्रीटी सिंपल बेटा प्लीज रिमेंबर दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर वेरी कॉमन क्वेश्चंस दैट कम्स इन एग्जाम्स ठीक चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका जरा uh, क्वेश्चन नंबर टू राइट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू ए माइनस थ्री बी होल स्क्वायर। बेटा बहुत फोकस करना है ठीक है चलो जी अब मिडिल टर्म नेगेटिव है सो कौन सा फॉर्मूला लगेगा राइट लेट्स राइट द फॉर्मूला फर्स्ट हम साइड पे फॉर्मूला लिख देते हैं बिकॉज होल स्क्वायर है ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म है सो ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर राइट ये बेटा फॉर्मूला एक्सपांशन का ए माइनस बी होल स्क्वायर का ये बेटा फॉर्मूला क्लैरिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके चलो दिस इज योर फर्स्ट टर्म दिस इज योर सेकेंड टर्म चलो फॉर्मूला अप्लाई करो ए स्क्वायर वट एवर यूर फर्स्ट टर्म इज ठीक हो गया ए स्टैंड फॉर द फर्स्ट टर्म ठीक इससे कंफ्यूज नहीं करना ए से ये टू ए दिस इज योर फर्स्ट टर्म ए सो ए स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑलरेडी माइनस कॉमन ले लिया जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई द टू टर्म्स ठीक माइनस ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया ये बेटा क्या थ्री टू टू सिक्स ए बी राइट टू का मल्टीपल होगा बेटा टू तो ऑलरेडी हम टू ए बी लिखते हैं सो टू विल बी द मल्टीपल टू तो कोफिशंट होगा एन टू बी मीन हम दोनों टर्म्स व फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म विल भी हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे राइट चलो और आगे क्या हो जाएगा प्लस और बेटा

क्लैरिटी बेटा ये आपके पास बेटा टू ए माइनस थ्री बी होल ये आपके पास एक्सपानशन आ गई आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर ठीक है लेट्स टेक एट अनदर क्वेश्चन ठीक अब जरा हम थोड़ा सा एक जरा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं उसमें भी एक बेसिक uh, अगेन आपकी सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं चलो x प्लस वन होल स्क्वायर सो टू इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्स इंटू एक्स प्लस आपने बेटा पिक क्या करना है यू हैव a माइनस बी होल राइट यहां पर a माइनस बी होल अप्लाई हो रहा है और दिस इज a प्लस बी होल इसमें कोई डाउट क्लैरिटी बेटा सो टू इज द कॉमन मल्टीपल टू तो बाय रखो x माइनस थ्री होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे राइट आई जस्ट राइट इट डाउन इन ए क्लियर वे ताकि आपको क्लैरिटी होकर हमने क्या करना है माइनस थ्री मल्टीपल है मैंने एक्स प्लस वन होल स्क्वायर को ओपन करके लिखना है इधर राइट सो आई हैव अ फॉर दैट की आइडेंटिटी है मेरे पास सो आई विल जस्ट ओपन दैट और फिर में इनके जो भी मल्टीपल्स हैं मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं चलो सो जस्ट कीप दिस टू आउटसाइड द ब्रैकेट सो बेटा व्हाट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर अब तो फॉर्मूला आपके फिंगर टिप्स पे आ जाना चाहिए सो दिस इज ए स्क्वेयर माइनस टू टाइम्स ए इंटू बी थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स वी राइट द नंबर माइनस ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया प्लस बी का स्क्वायर आई होप इसमें कोई अब इंबिगविटी नहीं है क्लैरिटी माइनस थ्री टाइम्स चलो इसको ओपन करो अगेन ए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी राइट वन इंटू एक्स एक्स प्लस बी वन का स्क्वायर इज वन क्लैरिटी बेटा चलो सो so, ये अब टू को इनसाइड द ब्रैकेट सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक अगर आपने पहले ब्रैकेट्स फर्दर थोड़े से सिंप्लीफाई करने आप बेशक सिंप्लीफाई कर लो आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन और बेटा इधर भी अगर आप फर्दर ब्रैकेट्स पहले सिंप्लीफाई कर लो इनर ब्रैकेट्स तो ये आ गया एक्स स्क्वायेर प्लस टू एक्स प्लस वन ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें इट डजेंट टेक यू यू नो मोर देन टू थ्री सेकेंड्स टू राइट दिस फॉर्म ठीक एक्सपैंड करने में कोई टाइम नहीं लगता बल्कि इट ब्रिंग्स मोर क्लैरिटी टू योर वर्क चलो अब बेटा ये टू को इन साइड द ब्रैकेट सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू टू इज ट्वेल्व एक्स राइट और टू जब नाइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस एटीन क्लैरिटी सिमिलरली माइनस थ्री ब्राकेट में तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा साइंस का ख्याल रखना है माइनस टू प्लस माइनस थ्री एक्स स्क् माइनस इन टू प्लस माइनस सिक्स एक्स और बेटा माइनस टू प्लस माइनस थ्री क्लैरिटी अब जो बेटा हमने पहले डिस्कस किया था लाइक like टर्म्स को एड सब्रैक्ट करना है पहले लेट्स कलेक्ट द लाइक टर्म्स एंड देन यू एड एंड चलो पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं So, ये आपके पास बेटा हो गया टू एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स वाली टर्म्स देख लेते हैं माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस एटीन एन माइनस थ्री जो कि आपकी कॉन्स्टेंट टर्म्स आपने एक्स स्क् वाली टर्म्स कलेक्ट की देन द टर्म्स इन एक्स एंड देन द कॉन्स्टेंट टर्म्स चलो बेटा ये सिंप्लीफाई करके क्या आ गया ऑपोजिट uh, साइड से ट्रैक्ट होते हैं

ठीक है यू लर्न यू प्रैक्टिस आपका बेटा जो नॉलेज है वो और कॉम्पैक्ट होता जाएगा आपका विजन ब्रॉड होगा राइट इट इट जितना आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे आपकी क्लैरिटी इंप्रूव होती जाएगी ठीक है आपके अंदर यू नो ईज ऑफ डूइंग मैथ्स क्लैरिटी ऑफ डूइंग मैथ्स आती जाएगी ठीक है चलो बेटा एनी क्वेश्चन एनी एम्बिगिटीज बेटा डू टेल मी द कॉमेंट्स